हे गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया। गाइज, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खेसारी लाल के बर्थडे पार्टी में पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह। तो गाइज, हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना, ये कभी आपस में नहीं लड़ते हैं, ठीक है। इनकी मोहब्बत एक दूसरे से चलती रहती है, तो वही मोहब्बत हमें इस वीडियो में देखने वाली मिलने वाली है। हमारे एक फैन ने हमें लिंक भेजा था वीडियो का, कि इसमें पवन सिंह खेसारी लाल का बर्थडे मनाने पहुंचे हैं, सिर्फ स्पेशली उनके बर्थडे के लिए। वो पास में की शूटिंग कर रहे थे, तो उनको पता ही था ऑब्वियसली कि उनका बर्थडे खेसारी लाल का। तो देख लेते हैं वीडियो, फिर हम इनके जो वीडियो है उसके बारे में बातें करेंगे। तो एंड तक देखना खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों के फैंस। तो शुरू करते हैं, गो। और यहाँ पर आए सिर्फ अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए। मैं भी यहाँ इलाहाबाद में शूट कर रहा हूँ आसकी का, भैया वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। कौन सा सिनेमा? स्वाभिमान का। तो आप बस सब पब्लिक का प्यार और जनता का आशीर्वाद ही हम दोनों भाइयों पे है, जो कि हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं, तो आपके आशीर्वाद और आपके बदौलत ही पहुँचे हैं। ये भी आपकी ही बदौलत जिंदा है, मैं भी आपकी ही बदौलत जिंदा हूँ। तो बस हम दोनों को इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में हर वक्त सिर्फ आपके लिए ही सोचे हम, क्योंकि हमारे जीवन सिर्फ आप सबके लिए ही है। हमारे जीवन अपने लिए हम कभी जीते नहीं। और भैया इतने दूर से सिर्फ अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि भैया को ढेर सारा प्यार आप सब दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। मेरे छोटे भाई खेसारी लाल यादव, आप प्यार से हम लोग इनको शत्रुघ्न बोलते हैं। प्यार से जब जीवन बाबू बोलते। मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देश दुनिया में ऐसे ही एकदम विराजे रहिए और छाए रहिए। क्या बात है यार, ये इनके साथ हमेशा होते हैं, साथी दोस्त हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है। हैप्पी बर्थडे लगाना भी चाहिए। विकास जी, विवेक भाई जी, ये हमारे संतोष भैया है, जो कि हम दोनों भाइयों के बड़े भाई हैं और बड़े प्यारे हैं। और ये हमारे भैया हैं, जो कि स्वाभिमान के प्रोड्यूसर भी हैं और गार्जियन भी हैं हम दोनों भाइयों के। अरे अरे, ये निशांत उज्जवल हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी सिनेमा रिलीज की है। हम दोनों भाइयों के नहीं, मुझे लगता है भोजपुरी के सारे स्टारों को इन्होंने प्यारों से भी किया है और प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में, और इनके साथ मैंने मेहंदी 3 भी किया था, अभी एक और 2-3 सिनेमा इनके साथ है, भैया का भी सिनेमा है, तो लगातार इनके प्रोड्यूसर भी बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो दिल से प्रणाम है इनके भविष्य के लिए, कैसे ही हम दोनों के प्यार करते रहिए। और आज जन्मदिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही भोजपुरी सिनेमा में छाए रहे। इतने पैसे कमाए, गिफ्ट नहीं लाए। अगर ये 2 घंटा अपना अगर ये मेरे लिए बर्बाद किए ना, तो कम से कम ये आदमी कम से कम 10 लाख रुपए बर्बाद किए। लेकिन आपका 2 घंटा मैं भी अपना शूटिंग कर रहा था। आप एक्टर नहीं, मैं भी शूटिंग छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक्टर नहीं हो। दूसरा का भी अपना काम होता है ना, छोड़ धन, मैं आ गया वही काम। प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। हर हर। अब थोड़ा सा बैंकेट में हम लोग को चलना पड़ेगा। क्या बात है यार, ये सही लगा यार वीडियो, बहुत ही सही था ये वीडियो, बहुत शानदार, मजा आया देख के। मतलब पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया भाई, कब वीडियो खत्म हो गया। सही है, मतलब एक एक को जो इंट्रोड्यूस करा उन्होंने उस छोटे से वीडियो में, और जो मस्ती हुई है वो सही लगी। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि इन्होंने 2 घंटे में ले बर्बाद करे, मतलब 10 लाख रुपए इनके गए, वो बात मुझे सही लगी कि समझते हैं एक दूसरे की बातों की, कि बंदा आपके लिए आया, इट मीन्स उन्होंने अपने कुछ जो जरूरी काम छोड़े हैं और वो आए हैं, क्योंकि दोनों लोग बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी बात है। और खेसारी लाल भी बहुत बिजी है और पवन सिंह भी बहुत बिजी है, और दोनों ने अपने लिए अगर अपना टाइम वेस्ट करके किसी और को दिया, इट मींस उन्होंने अपना पैसा भी उस बंदे के, और सच में उसे कुछ मानता है ना कोई बंदा, तभी उसके लिए इतना टाइम। तो ये जो फैंस हमारे कमेंट बॉक्स में आपस में लड़ते रहते हैं ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए था। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और खेसारी लाल यादव एंड पवन सिंह के दोनों जो फैन है, आप समझे इस वीडियो को देख के, और हमको लड़ना नहीं चाहिए, हमको दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, इतना सपोर्ट कि बॉलीवुड के वीडियो से ज्यादा
भोजपुरी के वीडियो को पहले दिन इतना व्यूज मिले, आप ये सोचिए ट्रेंडिंग में भी ट्रेंडिंग में भी चले आए। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि आप सोचिए कि बॉलीवुड में इतना व्यूज क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे सबका फैन बेस एक जगह पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम सेपरेट हो जाते हैं। खेसारी लाल का फैन बेस सिर्फ खेसारी लाल के वीडियो को देखता है, पवन सिंह जी का फैन बेस सिर्फ पवन सिंह जी को देखता है। तो ये जो खेसारी लाल जी और पवन सिंह जी, इन दोनों के जो फैन बेस है, अगर ये मिलके उस वीडियो को देखेंगे, यानी कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो ऑडियंस है वो एक वीडियो पर आ जाएगी एक टाइम पर, तो सोचो आप क्या क्या रिकॉर्ड बन सकते हैं। अमेजिंग लॉलीपॉप वाला रिकॉर्ड तो छोड़िए, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इससे बड़े बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं, मिलियन छोड़ो बिलियन बिलियंस में जा सकते हैं। तो गाइज आप सेपरेट नहीं होना है, हमको मिल के काम करना है, हम लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि हम सब इंडस्ट्री पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन भोजपुरी पे बहुत ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भोजपुरी के अंदर पोटेंशियल है, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, और हम इसीलिए भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह भोजपुरी को और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, और सपोर्ट करते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो करना, बिल्कुल इंस्टाग्राम आईडी हमारी दी हुई है, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे, उसके लिए बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।